खबर 365 न्यूज, आपकी खबर आप तक 365 दिन आपके साथ। हजारीबाग के टाटीझरिया थाना क्षेत्र के खैरा में सामाजिक कार्यकर्ता महावीर प्रसाद 55 वर्षीय व्यक्ति का खेत में शव पड़ा मिला। बता दें कि शव के बगल में व्यक्ति की बाइक भी गिरी हुई हालत में मिली है। सुबह टहलने जा रहे लोगों ने शव को देखा तो तत्काल टाटीझरिया थाना पुलिस को इसके बारे में सूचना दी। पुलिस एवं भारी संख्या में स्थानीय लोग इकट्ठा हो गए। मृतक महावीर प्रसाद इचाक प्रखंड के लंद्रू के रहने वाले बताए जा रहे हैं। मृतक बीते शाम 6:30 बजे बाइक से निकले थे, जिसके साथ दो व्यक्ति थे। एक व्यक्ति लुंद्रू के रहने वाले थे और एक व्यक्ति अन्य उनके साथ थे। स्थानीय लोगों ने उन्हें जाते देखा था, जिसके बाद सुबह इनका शव बरामद हुआ। साथ ही दोनों लोग फरार बताए जा रहे हैं। परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। मृतक के शरीर पर चोट के निशान भी देखे जा रहे हैं। स्थानीय शराब बेचने वाली महिला ने बताया कि मृतक के साथ 5 लोग थे, जिन्होंने शराब भी पी रखी थी। स्थानीय मुखिया ने बताया कि घटना की जानकारी मिलते ही मैं यहां पर पहुंच गया हूं। जो भी पुलिस मुझसे सहयोग चाहेगी, मैं सहयोग करने के लिए तैयार हूं। इस तरह की घटना को जिन भी अपराधियों ने अंजाम दिया है, उन्हें सलाखों तक पहुंचाने में मैं पुलिस की मदद करूंगा। वहीं थाना प्रभारी ने बताया कि पहले यह सूचना मिली थी कि घायल अवस्था में एक व्यक्ति पड़ा हुआ है, लेकिन बाद में पता चला कि मामला सेंसिटिव है। इसको देखते हुए मैं खुद घटनास्थल पर पहुंच गया हूं। शव को अपने कब्जे में लेकर हजारीबाग सदर अस्पताल स्थित पोस्टमार्टम हेतु भेजा जा रहा है। आगे जो भी कार्रवाई होगी वह लोगों के हित में ही होगी। हजारीबाग ब्यूरो की रिपोर्ट। शाम 6:30 बजे निकले थे मेरे पिताजी चाबी मांग के, ठीक है। उसके साथ में गोलू कुमार जादव और दारा घटवाल साथ में थे। गांव के सारे आदमी उनको देखे हैं और खैरा गांव में जाने के बाद तीनों साथ में वहां की बूढ़ी दारू बेचती है वो बताई है कि साथ में 4-5-6 आदमी मिलकर दारू पिया है। दारू पीने के बावजूद उन लोग मेरे पिताजी का बॉडी सुबह मिला है, ठीक है, और दोनों गायब है आदमी। हमको लगता है वो लड़का हत्यारा है। बुनाई का है दारा सिंह और लुंद्रू का है गोलू कुमार जादव। दोनों लड़का फरार है। मेरा नाम खगेंद्र प्रसाद कुशवाहा है। जैसे पता चला है कि सामाजिक आदमी थे, समाज से उनका काफ़ी लगाव था और ये घटना काफ़ी दुखदाई है। समाज में ऐसे लोगों के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन प्रशासन अपना काम कर रहा है, जांच कर रहा है और जांच के बाद ही पता चल पाएगा कि घटना का मुख्य कारण क्या है। सुबह करीब 6:30-7 बजे के आसपास सूचना मिली थी कि एक मोटरसाइकिल से एक्सीडेंट होकर किसी व्यक्ति को चोट लग गया है, काफ़ी मतलब घायल अवस्था में। तत्पश्चात गश्ती गाड़ी को भेज दिए थे, लेकिन मामला फिर थोड़ा देर बाद समझ में आया कि नहीं, थोड़ा सेंसिटिव है। इस वजह से हम खुद घटनास्थल पर आए हुए हैं। जैसा भी है हम लोग जांच कर रहे हैं, जो भी होगा कानून प्रक्रिया में होगा, हम लोग उसी आधार पे। अपडेट खबरों को देखने के लिए देखते रहें खबर 365 न्यूज़। साथ ही लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।